गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रोहिणी वंस अगेन आज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया वीडियो लेके आई हूँ और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ज्यादा सुंदर एंड फेस्टिव कलेक्शन वाली साड़ियाँ। बिकॉज आज के वीडियो में ऑलमोस्ट 5 to 6 तरह की मैं आपके लिए फेस्टिव कलेक्शन वाली साड़ीज लेके आई हूँ और वो भी होने वाली है मिंत्रा से। सो मिंत्रा पे अभी जो फ्रीडम सेल चल रही है इसकी वजह से आपको ये जो साड़ियाँ हैं ऑलमोस्ट ये 900-1000 वाली साड़ियाँ ऑलमोस्ट मुझे 500 तक मिल गई है। सो सीजन का सेल जो आया हुआ है, फ्रीडम का सेल जो आया हुआ है, इसके लिए आपको क्या करना है, इसको फटाफट ग्रैब करना है। ऑलमोस्ट 500-600 में ये साड़ियाँ मुझे मिल गई हैं। तो जरूर आपको क्या करना है, आपको वीडियो पूरा देखना है बिकॉज कौन सी साड़ियाँ मैंने फेस्टिव सीजन के लिए खरीदी है एंड इनके साथ में कौन से तरीके की लुक बुक्स करने वाली हूँ ये भी आपको बहुत जल्दी पता लगने वाला है। तो उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा एंड हमारा आज का कलेक्शन आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको इसी तरह के वीडियोस देखना पसंद है जिसमें ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल और बहुत सारे तरीके के वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती हूँ, तो आपको क्या करना है, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इसी तरह के वीडियोस अगर आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव के साथ शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बेसिक कलर दिखाना चाहूंगी मैं। बेसिक साड़ी है इसलिए बेसिक दिखाना चाहूंगी। उसमें मैंने लाइक अभी फेस्टिवल है तो फेस्टिवल में बहुत सारे प्रिपरेशंस होती हैं, छोटा मोटा काम होता है, तो उसमें हमें नॉर्मल तभी भी मतलब मैं तो भी उस टाइम पे साड़ी पहनती हूँ। उस टाइम पे लाइक जब कोई प्रिपरेशन हो या फिर कुछ भी करना हो उस टाइम पे साड़ी मैं पहनती हूँ। तो उसके लिए मैं जस्ट घर में बेसिक ऑलमोस्ट ये मुझे 300-400 में मुझे ये साड़ी मिल गई होगी। तो ये ब्लैक एंड ऑरेंज बॉर्डर एंड गोल्डन बॉर्डर में मैंने ये साड़ी ली एंड मुझे बहुत पसंद आई एंड इसमें आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। ये बहुत अच्छी साड़ी मुझे लगी है एंड ये सिल्क कॉटन बेस्ड है, तो कॉटन नहीं है, सिल्क भी नहीं है, मिक्सड है, तो बहुत अच्छी लगी। मैं आज की वीडियो में मैं आपको लाइक ट्राई ऑन आई होप दिखाऊं या ना दिखाऊं, अगर नहीं भी दिखाया तो मैं इसके अलग से लुक बुक्स जरूर देके आऊंगी जिसमें आपको साड़ियों को किस तरीके से मैं ड्रेप करूंगी, किस तरीके से इसको अलग अलग ज्वेलरी के साथ पेयर अप करूंगी, ये आपको वहां पर पता चल जाएगा। इस साड़ी के साथ इस तरीके की ज्वेलरीज वगैरह बहुत अच्छी लगती है। एंड अगर आपने अभी तक मेरा ह्यूज ज्वेलरी हॉल नहीं देखा होगा जहाँ पे मैंने इस तरीके की चंक जो भी ज्वेलरी बोलते हैं मैंने बहुत कम दाम में खरीदी है, तो आपने अगर नहीं देखा होगा तो वो मैं आपको ऊपर लिंक कर दूंगी, आप जाके देख सकते हो। तो ये आपको ऑल ओवर इस तरीके से प्लेन मिल जाएगी, ऊपर से बॉर्डर गोल्डन एंड ऑरेंज में मिलेगा एंड इसका जो पल्ला है वो आपको इस तरीके की लाइन में मिलेगा। इसमें जो ब्लाउज पीस है वो सेम आया है, तो ये देखिए सेम है। तो सिंपल साड़ी है, ऐसा बहुत मतलब डिफरेंट ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है। बिकॉज सिंपल साड़ीज के साथ भी हम लोग अगर अच्छे से ऑक्सीडाइज में वगैरह अगर हम लोग इसको ड्रेपअप करें तो अच्छी लगती है। साथ ही में पल्लू में आपको इस तरीके के टैसल्स क्या बोल रही थी मैं, टैसल्स मिल जाएंगे जो बहुत अच्छे लगते हैं जब हम लोग पल्लू लेते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट साड़ी की तरफ जो है थोड़ा सा फेस्टिव वाइब है, तो कलरफुल साड़ीज होनी चाहिए। तो कलरफुल साड़ीज के मैं जो है सबसे पहला कलर जो है वो पिंक मैं आपके लिए लेके आई क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे। ब्रोकेट टाइप में साड़ी है एंड ऑल ओवर कोऑर्ड साड़ी है ये, मतलब इसमें आपको ऑल ओवर एक ही कलर मिलने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको इस तरीके की बॉर्डर मिल रही है एंड ऑल ओवर आपको वर्क है ना, तो इस तरीके का ब्रोकेट का एक बुट्टी का ही वर्क मिल रहा है। सो आपको ये पूरा वर्क यहीं पे मिल रहा है एंड ये जो है यहाँ पे आपको मिल रहा है पल्लू। तो ये देखिए इस तरीके का आपको पल्लू मिल रहा है। इसमें जो ब्लाउज है वो आपको आई थिंक प्लेन ही आएगा, यस हाँ, इसमें आपको ब्लाउज है वो प्लेन आ रहा है एंड यहाँ पे आपको एक बॉर्डर दी गई है जो आप ब्लाउज यहाँ तक सिला सकते हैं। कोऑर्ड साड़ीज ना बहुत अच्छी लगती है, इसके साथ आप गोल्डन ज्वेलरी और साउथ इंडियन ज्वेलरी इसके साथ पेयर अप करो, बहुत सुंदर लगती है इस तरीके की साड़ी। एंड ये आप अभी फेस्टिवल्स में वगैरह अगर आप इसको ड्रेप अप करोगे ना बहुत सुंदर लगती है। कपड़ा बहुत अच्छा है, ये मुझे आई थिंक 650 या 500 to 600 के बीच में ही पड़ी है, तो अंडर 700 रुपीज ऑलमोस्ट सारी साड़ियाँ हैं। तो बहुत अच्छी लगी मुझे ये साड़ियाँ एंड फेस्टिव के हिसाब से। एंड कपड़ा भी इतना ऐसा बिल्कुल सा सादा सिंपल नहीं है बिकॉज अगर अभी आप जाओगे देखने तो इसके प्राइजेस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब सेल के हिसाब से, सेल में भी प्राइजेस चेंज होते रहते हैं तो उसके हिसाब से इसमें डिफरेंसेस दिखेंगे। बट जब मैंने खरीदी तब मुझे ये 650 अराउंड ही मिल गई थी, तो ये भी मुझे बहुत पसंद है। इन फेस्टिवल सीजन में मैं इसको पहनने वाली हूँ। ओके, लुक बुक भी दिखाने वाली हूँ तो उसके लिए भी आप स्टे ट्यून रहिएगा। एंड साथ ही में अब इसके बाद जो नेक्स्ट साड़ी है, फोर्थ साड़ी एंड फिफ्थ साड़ी मिस मत करना, हाँ फिफ्थ साड़ी तो बिल्कुल भी मिस मत करना बिकॉज ये साड़ी मुझे बहुत दिनों से लाइक ऑलमोस्ट 6 महीने से मेरे विश लिस्ट में थी एंड मुझे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे ये साड़ी दिखी थी बट 1400-1500 इसके नीचे ही नहीं जा रही थी। एंड जैसे ही मुझे मिंत्रा पे वो साड़ी मिली ना लाइक 650 या 600 रुपये में जस्ट ग्रैब कर ली मैंने। तो चलिए पहले थर्ड साड़ी देख लेते हैं। थर्ड साड़ी मैंने कुछ ये नेवी ब्लू में खरीदी है, ये भी मुझे कुछ 500 to 600 के बीच में ही पड़ी है। एंड ये आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे फुल वर्क मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो आप फुल वर्क यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड इसका जो बॉर्डर है आपको बॉर्डर मिल रहा है इस तरीके से, यहाँ पे बुट्टा है मीन्स ब्रोकेड है एंड देन प्लेन बॉर्डर मिल रही है आपको। एंड इसके बाद जो इसका पल्लू है, पल्लू आपको फुल भरा हुआ मीन्स आपको दिखा दूं मैं, बहुत ही डिफरेंट आपको पल्लू मिलेगा यहाँ पे, मतलब साड़ी का फुल कॉन्ट्रास्ट आपको यहाँ पे पल्लू मिल रहा है, फुल डिजाइन एंड ऑल एंड फुल गोल्डन में ये पल्लू मिलेगा। तो मुझे ये बहुत पसंद आया, इसका पैटर्न ही मुझे बहुत पसंद आया, लाइक पल्लू एकदम डिफरेंट से एंड साड़ी एकदम डिफरेंट से। एंड इसके साथ इसका जो ब्लाउज है ये आपको ब्लू में ही मिलेगा, हाँ यस इसका ब्लाउज जो है वो आपको ब्लू में ही मिल रहा है। एंड उसमें आपको ये वाली जो बॉर्डर है, ये वाली जो बॉर्डर है ये स्लीव्स के लिए मिल रही है। मैं खोल इसलिए नहीं रही हूँ बिकॉज नहीं खोल तो दिया ही अभी, क्या बाकी क्या है। तो ये देखिए आपको ये है ब्लाउज पीस एंड ब्लाउज पीस में आपको यहाँ पे इस तरीके का बॉर्डर मिल रहा है। तो ये रही हमारी थर्ड साड़ी। फोर्थ साड़ी भी बहुत अच्छी है, लाइक दिन के फंक्शंस के लिए अच्छी है, रात के लिए भी अच्छी है, तो क्योंकि थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन है, थोड़ा सा फिरता हुआ कलर है। तो ये है हमारी नेक्स्ट साड़ी जो मुझे बहुत पसंद आई है। ये इसमें ना आपको पिंक गोल्डन ग्रीन का मिक्स कलर मिल जाएगा जो इस तरीके का आया है। ये साड़ी ना मैंने एक बार अहमदनगर गई थी तो वहाँ पे मैंने इस तरीके की साड़ी देखी थी, बट वो टोटली डिफरेंट थी, वो कुछ 2300 रुपये की साड़ी थी। तो उस टाइम पे ना मैंने उसको लेना थोड़ा सा झिझक गई मैं उस टाइम पे कि लाइक नहीं 2300 रुपये की कहाँ मैं इतनी साड़ी खरीदूँ और ऐसे वगैरह। तो उस टाइम से ना वो पैटर्न चलता गया, फिर उसके बाद मुझे ना वो साड़ी मिली ही नहीं, तो वो कुछ ऐसे गोल्डन बेस में थी, बट ये और वो साड़ी का मुकाबला नहीं है। वो साड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी, वो पैठनी में कुछ साड़ी थी तो उसका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं है, मुझे बहुत पसंद आई। तो ये ना उसका ही पैटर्न है, आपको इसी तरीके का पूरा वर्क मिल जाएगा। ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए आपको फुल इस तरीके का पूरा वर्क मिल जाएगा। एंड जैसे मैंने आपको बताया पैठनी का वो जो कॉपी था, तो मतलब अभी उसको कॉपी करने लग गए लोग, तो इसमें भी उन्होंने वही किया है, मोर बनाए हैं। तो पैठनी का बेस जो होता है ना, मोर पैरट ये सारा उसका बेस होता है, मतलब वो होना ही चाहिए, तो वो पैठनी कहलाती है। तो आप इसमें भी देख सकते हो, इसमें आपको मोर दिख जाएंगे। तो ये पैठनी का ही आपको दूसरा पैटर्न मिल जाएगा, मतलब उसका ही कॉपी आप बोल सकते हो, बट कपड़ा बिल्कुल भी अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि खराब है, मतलब ठीक है, चुभने वाला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, ठीक ठाक है। तो ये सारे मिंत्रा ब्रांड के हैं साड़ी जो इन्होंने इनका बनाया है। तो ये आपको इस तरीके का मोर के डिज़ाइन में आपको पल्लू मिल जाएगा। एंड इसका ब्लाउज आई थिंक प्लेन आया है या हाँ पिंक में आपको इसका आया है ब्लाउज, जिसमें आपको यहाँ पे इस तरीके की बॉर्डर मिली है। तो ये देखिए इस तरीके का है, तो पिंक के साथ इस तरीके का ग्रीन अगर आप डालोगे तो आई होप ये अच्छा लगेगा। लाइक मैंने तो इसको ड्रेप नहीं किया है, जब मैं ड्रेप करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी तब मुझे पता चलेगा कि कैसी लगेगी साड़ी। या अच्छी लग रही है, एक्चुअली ये अच्छी लग रही है। मुझे लगा था कि ये कलर मुझे नहीं इतना ये होगा, बट मैंने जस्ट मंगा लिया था, बट स्टिल इट्स लुकिंग एक्चुअली नाइस। तो मैं इसका ब्लाउज जल्दी सिलवा के आपके साथ लुक बुक शेयर करूँगी एंड बहुत अच्छी लग रही है मुझे। ओके, तो अब बारी आती है हमारी लास्ट साड़ी की, जो मेरी फेवरेट एंड लाइक वेटिंग लिस्ट पे, मेरी विश लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट पे थी, बिकॉज वो 1300 के नीचे ही नहीं आ रही थी या किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रही थी। तो वो है ये साड़ी, अगेन मिंत्रा ब्रांड से ही है, एंड वो है ये वाली साड़ी। यस, मस्टर्ड कलर की साड़ी। इस साड़ी का मैं वेट इतने दिनों से कर रही थी एंड एट लास्ट ये साड़ी मेरे पास है। एंड आप देख सकते हो इसका जो बुट्टा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बारीक एंड इतना डिटेलिंग काम है ना इसका। एंड ये साड़ी का जो वर्क है ना, वो सारा वीविंग वर्क है, इसलिए निकलने वाला नहीं है, प्रिंटेड नहीं है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इसको आसानी से पहन सकते हो। ड्राई क्लीन ही कराना पड़ता है इन साड़ीज़ को। तो ये देखिए इस तरीके का आपको पूरा ये जो है ना मस्टर्ड कलर में आपको साड़ी मिल रही है। एंड इस तरीके का ना छोटा सा पतला वाला लाइक पतला वाला ब्लू कलर में बॉर्डर मिल रहा है, नेवी ब्लू कलर में। एंड इसका जो पल्लू है वो भी मुझे बहुत पसंद आया, बिकॉज पल्लू भी इतना अच्छा फुल रिच पल्लू है। देखिए आप लोग, पूरा रिच पल्लू है, एकदम रिच पल्लू है, पूरा भरा हुआ है। एंड नीचे आपको मिल जाएंगे इस तरीके के टैसल्स। तो ये मुझे बहुत पसंद आई, लाइक ये साड़ी मुझे एक्चुअली में बहुत पसंद आई। लाइक जब आप इसको लोगे एंड इसको ड्रेप अप करोगे अच्छे फेस्ट ज्वेलरी के साथ एंड इसके साथ, तो बहुत अच्छी लगी मुझे। मस्टर्ड कलर एक्चुअली में बहुत पसंद भी है, तो इसी के लिए। एंड इसका जो ब्लाउज है आपको आ रहा है ब्लू कलर में। तो ये देखिए आपको इसका ब्लू कलर में कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज आएगा। सो ये देखिए आपको ब्लू कलर में ब्लाउज आ रहा है। यहाँ पे आपको बॉर्डर दी है, इसकी स्लीव्स या फिर बैक में आपको जिस तरीके से लगवानी है। तो यस, तो ये थी हमारी लास्ट वाली साड़ी एंड ये मेरी फेवरेट साड़ी है। जल्दी ही इसके लुक बुक्स आपको मिलेंगे। तो मुझे तो अभी लग रहा है इसको पहनूं एंड इसको फ्लॉन्ट करूं क्योंकि मुझे एक्चुअली में बहुत पसंद आई है एंड आई थिंक इसको मैं रक्षाबंधन में पहनूं, लेकिन रक्षाबंधन में नहीं पहनूंगी मैं, बिकॉज रक्षाबंधन में हैवी साड़ी कौन पहनता है, पहनते हैं बट स्टिल क्रिएट तो कर सकते हैं हम लोग लुक। एंड आने वाले भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। सो ये था आज का हमारा मिंत्रा हॉल, जहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर की बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फेस्टिव साड़ीज एंड इसमें से अगर आपको कोई भी साड़ी पसंद आए तो आपको मैंने नीचे दे दी है लिंक, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हो। और अगर आपको इस तरह की बहुत ज्यादा अमेजिंग शॉपिंग करनी है तो आपको क्या करना है, आपको जाना है मिंत्रा पे एंड फेस्टिव सीजन है तो बहुत अच्छे अच्छे सेल्स आपको मिल रहे हैं। तो इस तरीके के सेल अभी आते रहेंगे बिकॉज फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह के सेल को अगर आपको ग्रैब करना है, अच्छे अच्छे कम दामों में अच्छी अच्छी चीजों को लेना है तो आपको क्या करना है, आपको जाना है, परचेज करना है, आपको शॉपिंग करनी है और आपके फेस्टिव सीजन को बहुत अच्छा बनाना है। तो यस, आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ और इस तरह के फेस्टिव सीजन के वीडियोस आने वाले हैं तो इसके लिए आपको स्टे ट्यून रहना है हमारे चैनल पर बिकॉज बहुत अमेजिंग वीडियोज अभी लाइनड अप है। तो यस, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक टेक केयर, सी यू सून एंड बाय बाय।